ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश पहला अध्याय मेरे व्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयं भूव मनु के जो प्रिय व्रत और उतानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उतानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रिय व्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी कहते हैं, प्रिय व्रत ने कदम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की दो कन्याएं तथा 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रिय व्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो, वे आग्नेध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, धुतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे, तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिषमान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये तीनों योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्नेध्र को जंबोद्वीप और मेधातिथि को लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिषमान को कुश द्वीप का राजा बनाया, धुतिमान को कांच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनि सतम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा अग्निध्व थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभी, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रमय, हृणयवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्नेध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारत वर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकुट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा निषिद्ध वर्ष दिया। जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलांचल से लगा हुआ वर्ष रमय को दिया। पिता आग्नेध्र ने उसका उत्तरव्रती श्वेत वर्ष हिरणवान को दिया तथा जो वर्ष शृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश को दे दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्नेध्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुनि, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य अर्थात असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभदेव जी धर्मपूर्वक राज्य शासन तथा
विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत जी को राज्य अधिकार सौंप कर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज वृषभ ने भी वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत क्रश हो गए और उनके शरीर की शिराएं रक्त वाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दे दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंप कर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शाल ग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का प्रथु, प्रथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था, उससे धीमान का जन्म हुआ था तथा धीमान का पुत्र महंत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व का ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारत वर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशाधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वारह कल्प में सबसे पहले मन्वंतराधीप स्वयंभूव मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।